तो दोस्तों ये है जूम एस्टेक, जिसको हमने कुछ दिन पहले इसको सेल किया था। यहाँ पे देखें, ब्रांडिंग पे दिखा दे तो लिखा हुआ हमें मिल जाएगा। और ये बाइक हमारे पास आई है लड़कर, अगर आप इसका स्पीडोमीटर देखेंगे तो मात्र हमारी बाइक चली हुई है 1500 कुछ किलोमीटर, जो कि इतनी हाल ही में हमारी बाइक जो थी एक्सीडेंट होने के बाद लड़ गई है। तो इसीलिए कहते हैं बाइक को सेफ ड्राइव करें, तेज़ ना चलाएं, और डिस वाली ब्रेक में तो स्कूटर में ज़्यादा तेज ना चलाइए। देखें 1529 किलोमीटर ही हमारी बाइक चली हुई है स्कूटर, और उसकी ये हालत हो चुकी है। यहाँ पे देखें कितना सब कुछ है। यहाँ पे एक कॉर्नर बैंडिंग लाइट्स जो था वो भी अब निकल चुका है, जो यहाँ पे इस साइड असेंबल है। तो इसीलिए कहते हैं सेफ ड्राइव करें, नशे में बाइक ना चलाएं। और ये इसलिए हुआ है, जो रोड के किनारे जो सांड होते हैं उनसे ये बाइक टकरा गई है, तभी ये हादसा हुआ है। और जो हमारे बाइक राइड कर रहे थे उनको कुछ, हालांकि कुछ नहीं हुआ है, पर जो बाइक का नुकसान हुआ है आप देख पा रहे हैं जूम एस्टेक। तो सेफ ड्राइव करें, नशे में बाइक ना चलाएं। जो कि डिस वाली थी, अचानक ही डिस ब्रेक मार ली है, जो कि बाइक को संभाल नहीं पाए और बाइक हमारी गिर गई। जूम एस्टेक BS6 E20 वाला वर्जन है, चलिए दिखा देते हैं, ये देखें। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप तेज़ बाइक चला रहे हैं तो हमारी बाइक में क्या नुकसान हो सकता है।